और चलिए बात कर लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पेश किए हैं। सीआरपीसी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानून में सुधार के लिए लाए गए हैं और गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में इस पर जवाब भी आज देंगे और फिर वोटिंग होगी। बिल के पास होने पर इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन होते ही ये 3 बिल जो है वो कानून बन जाएंगे। तो ये 10 बड़े बदलाव होंगे जो आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं। ये क्या बदलाव होने वाले हैं जिसकी बात की जा रही है, मौत की सजा उम्र कैद में बदली जा सकेगी और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि अपराधी का रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा। तो वहीं 6 महीने में जांच खत्म कर ट्रायल शुरू करना होगा। तो ये सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे और 90 दिन में चार्जशीट जो है वो फाइनल करनी होगी और साथ ही 120 दिन में ट्रायल का फैसला भी आ जाएगा। तो कौन कौन से बदलाव होंगे वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बहस पूरी हुई तो 30 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले अयोध्या में तेजी से मंदिर निर्माण का काम भी चल रहा है, सजावट और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी से पहले किस तरह से अयोध्या सजसंवर रही है। अयोध्या के एक एक कोने को सजाया सवारा जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमी ना फैले। हर एक दीवार चौक चौराहे को सजाने का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कोई भी अयोध्या उसके बाद आएगा तो फिर किस तरह की उसकी भव्यता होगी वो यहाँ की सड़कों गलियों चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। तो तेजी से मंदिर निर्माण का काम भी चल रहा है, सजावट और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोलर एनर्जी प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसका मकसद रामनगरी को ऊर्जा का दूसरा सोर्स उपलब्ध कराना है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां की जा रही हैं और सोलर एनर्जी प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसका मकसद है कि रामनगरी को ऊर्जा का इसका दूसरा सोर्स जो है वो उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पजेशन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूअल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ लगा भी है, आप यहाँ सूर्यकुंड में देख सकते हैं, वहाँ भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। जो विभिन्न पार्क्स हैं उसमें भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। सोलर स्ट्रीट लाइट जो गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में लगाया गया है, तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगह पर ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। वहीं मैदानी जिलों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून में मंगलवार को सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान रहा। राजधानी में कल 5 डिग्री तापमान न्यूनतम रहा है। वहीं पंतनगर, मुक्तेश्वर, टिहरी में भी 3 से 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और साथ ही मौसम विभाग केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी के अनुमान के साथ 23 दिसंबर से बारिश का पूर्वानुमान भी जता दिया है। महानगरों की चकाचौंध से दूर शांत वातावरण में हजारों पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं, जिसके लिए रामनगर में कॉर्बेट पार्क और यहां के रिजॉर्ट जो है एडवांस में फुल हो चुके हैं।
नए साल का स्वागत हो या फिर क्रिसमस का त्योहार ही क्यों ना हो, इसके लिए रामनगर पर्यटकों के बीच बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर है और प्रकृति की गोद में लोग इन त्योहारों को मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में यहाँ के सभी रिजॉर्ट अभी से ही इन त्योहारों के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। 22 से 31 के बीच में या हर साल का ही रहता है, क्रिसमस की बुकिंग है, काफ़ी फुल रहती है क्रिसमस के टाइम में 25, और क्योंकि दो बड़े दिन होते हैं, और यही 31 और 31 का आप कहते हैं तो वो भी मतलब फुल है, और काफ़ी अच्छी जिप्सी सफारियों की बुकिंग भी है और रिजॉर्टों में भी काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ है और दिखने को मिलेगी। हमारा तो रिजॉर्ट जो है पहले ही एडवांस में बुक हो चुका है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। बाकी कॉर्बेट में इस बार बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, ऑलमोस्ट सभी रिजॉर्ट्स पैक होने जा रहे हैं, और हम लोगों के ऑनलाइन भी काफ़ी हो गई हैं और ऑफलाइन भी हमारी काफ़ी हो करके अब हम लोगों के पास बुकिंग्स के लिए अब कोई और रूम्स बचे नहीं हैं। इन त्योहारों के लिए टूरिस्ट के बीच कॉर्बेट में बुकिंग को लेकर भी होड़ मची है। कॉर्बेट की डे सफारी हो या फिर नाइट स्टे, सभी इन त्योहारों के लिए फुल हो चुके हैं। अभी हमारा जो भी सफारी बुकिंग्स है वो सारे बुक्ड हुए हैं, कमरे तो वैसे ही बुक्ड थे पहले से, और सारे सफारी जोन्स भी बुक्ड हैं, तो इसको देखते हुए ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ को वहाँ पे तैनात कर दिया है जहाँ पे हमारा टूरिज्म पीक होता है, तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा गार्ड्स भी लगा दिए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।